हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी एक लेक्चर में बताया था कि मायापुर धाम और वृंदावन ये ओरिजिनल धाम है जो गोलोक से आते हैं, और बाकी जो धाम है वो ओरिजिनल नहीं है। मतलब जब वरादेव जी ने प्रलय हुई थी तो इन दो पे अपने सींग उठा के उन्होंने उठाया था, तो ऐसा क्यों प्रभु जी? जगन्नाथपुरी और जो बाकी धाम है दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, वाई वो क्यों नहीं आता? एक्चुअली बाकी धाम का मतलब है कि बाकी धाम जैसे काशी हो गया, प्रयाग हो गया, गया हो गया, इन ये सब धाम जो मूल धाम है उन्हीं से ही उद्धृत होते हैं। पर जगन्नाथपुरी तो साक्षात भगवान का घर है, वो तो कृपा का पात्र है, वो धाम नहीं है, वो महाधाम है। हर धाम में आप जाएंगे तो बोला जाता है कि इस धाम की इतनी महिमा है, इस धाम सारे धामों से सबसे उत्तम है, देयर इज नो धाम बेटर देन दिस धाम। सुना क्या नहीं ऐसे? अपने वृंदावन में आएगा और ब्रज से बड़ा कुछ नहीं है, राधाकुंड जाएंगे उससे बड़ा कुछ नहीं है, गिरिराज में जाएंगे उससे बड़ा कुछ नहीं है, मायापुर जाएंगे इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो हर धाम की महिमा, और शास्त्रों में भी लिखा है, ऐसा नहीं है, उस पर्टिकुलर धाम के जो शास्त्र हैं या उनके जो लोक शास्त्र होते हैं वहां लिखा हुआ है कि दिस धाम इज द बेस्ट ऑफ द धाम, बट जो जगन्नाथपुरी है दैट इज द बेस्ट ऑफ द धाम, उससे बड़ा धाम तो कोई है नहीं, जगन्नाथपुरी धाम की। ऐसा क्यों कि वाई जगन्नाथपुरी इज द टॉप मोस्ट धाम? भगवान अलग अलग धाम में रहते हैं, अलग अलग भाव दिखाते हैं, अलग अलग रस देते हैं। तो जब ब्रज में होते हैं तो माधुर्य धाम की प्रधानता है, जब द्वारका में होते हैं तो ऐश्वर्य धाम की प्रधानता है, जब मायापुर में होते हैं तो औदार्य धाम की प्रधानता है, मगर जब जगन्नाथपुरी में होते हैं तो वहाँ औदार्य भी है, वहाँ ऐश्वर्य भी है और वहाँ माधुर्य भी है। कृष्णा इज इन इट्स कंप्लीट फुलेस्ट फॉर्म एंड गिविंग ऑल दोस रसास टू हिज डिवोटीज, दैट इज व्हाई जगन्नाथपुरी धाम इज द बेस्ट। और साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ले लेते हैं तब वो राधा रानी के भाव में है, और राधा रानी किसको ढूंढती रहती है? भगवान श्री कृष्ण को। तो संन्यास लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए? जगन्नाथपुरी में गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण कहाँ मिलेंगे आपको? जगन्नाथपुरी में मिलेंगे। तो देखिए, और किसी स्थान को छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंचे हैं जगन्नाथपुरी, दैट मीन्स राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने पहुंच गई हैं पुरी में, दैट मीन्स भगवान कहाँ रह रहे हैं? जगन्नाथपुरी में। बाकी सारे तीर्थों में एक भगवान होते हैं जो इष्ट होते हैं, कहीं पर भी चले जाइए वहाँ के एक इष्ट हैं, मगर जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे तो वहां पे दो इष्ट मिलेंगे आपको, पहले तो है स्वयं जगन्नाथ और दूसरे श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार जगन्नाथपुरी इज द बेस्ट। और साथ में जगन्नाथपुरी में भगवान पूर्ण रूप में रहते हैं, ये क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स कि कहीं पे भगवान अपूर्ण रूप में भी होते होंगे। हाँ, भगवान नित्य रूप से अपूर्ण रूप में ही रहते हैं। कृष्णा इज ऑलवेज इन इनकम्प्लीट फॉर्म। क्यों? क्योंकि कभी भी अपने भक्तों का उनके प्रति प्रेम वो जान नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते, इसलिए तो उनको आना पड़ा किसके रूप में? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जब भगवान देखते हैं गोपियों को, राधा रानी को, इतना प्रेम करते हैं मुझसे, ऐसा क्या है मुझ में और इनको मिल क्या रहा है जो मेरे पति इतने पागल हैं, तो भगवान इसको समझ नहीं पाते। तो इसलिए वही कृष्ण राधा रानी का भाव लेके, गोपियों का भाव लेके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं अपने आप को जानने के लिए। तो ये भगवान की अपूर्णता है, उनकी इनकम्प्लीटनेस है। मगर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी हैं। तो जगन्नाथ जी कौन है? वो कृष्णा है जो श्रीमती राधा रानी की सेपरेशन में है। जगन्नाथ जी इज कृष्णा इन सेपरेशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। और सामने है श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु इज ऑल्सो कृष्णा इन सेपरेशन ऑफ कृष्णा। जगन्नाथ जी इज कृष्णा इन सेपरेशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। महाप्रभु इज कृष्णा इन सेपरेशन ऑफ कृष्णा इन द मूड ऑफ राधा रानी। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी और महाप्रभु जब एक हो जाते हैं तो भगवान पूर्ण हो जाते हैं, और वो पूर्णता मिलती है श्री जगन्नाथपुरी धाम की। तो इसलिए जगन्नाथपुरी क्या है? टॉप मोस्ट ऑफ द टॉप मोस्ट। और एक प्रैक्टिकल रीजन भी है कि क्यों जगन्नाथपुरी को सर्वोत्तम माना जाता है। जनरली धाम की परिक्रमाएं करी जाती हैं, वो उनकी महत्ता है। तो ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं लोग, कितने दिन की होती है ब्रजमंडल परिक्रमा? 30 डेज, पूरे महीने की, पूरे कार्तिक में परिक्रमा चलती रहती है। सोचिए हर रोज 15-20 किलोमीटर चलना पड़ता है, और इधर ऑफिस का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, तो आपको बहुत बार सोचना पड़ेगा उस परिक्रमा को करने के लिए, तब जाके उस परिक्रमा का फल मिलेगा। मगर कोई नहीं ना, ब्रजमंडल परिक्रमा आप नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, हमारे इष्ट तो कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। हमारे इष्ट तो कलयुग के राजा श्री गौरांग देव हैं। तो उन गौरचंद्र की निवास स्थली, उनका धाम श्री धाम मायापुर, वहाँ पे भी परिक्रमा होती है। नवद्वीप की भी परिक्रमा होती है, 9 आइलैंड्स की। वो परिक्रमा होती है केवल 7 दिन की। तो जो फल आपको मिलेगा 30 दिन ब्रजमंडल परिक्रमा करने से, वही फल मिल जाएगा केवल 7 दिन
नवदीप मंडल परिक्रमा करने से, मगर 7 दिन की छुट्टी थोड़ी मिल रही है हमें, बॉस खा जाएगा हमें यहाँ पे, बच्चे तो पीछे इतने बिगड़ जाएंगे, कैसे होगा ये तो 7 दिन में नहीं निकाल सकते हम। तो ठीक है, चिंता मत करिए, आप आ जाइए जगन्नाथपुरी, वो जो आपको फल मिलेगा 30 दिन ब्रजमंडल परिक्रमा करने से, वो जो फल मिलेगा 7 दिन नवदीप मंडल परिक्रमा करने से, वही फल मिल जाएगा 1 दिन जगन्नाथपुरी की परिक्रमा करने से, श्री क्षेत्र की परिक्रमा करने से, जगन्नाथ स्वामी की। कितने लोग चलना चाहेंगे जगन्नाथपुरी? जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथपुरी धाम की। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा, हरे